हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 66 आर्टिकल 66, इसमें उपराष्ट्रपति का निर्वाचन का जिक्र किया गया, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। इसमें जो प्रमुख बातें कही गई है, इसमें भी 66-1, 66-2, 66-3 देखने को मिलता है। 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में 66-1 में जो बातें कही गई है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और निर्वाचन में जो मतदान होगा वह गुप्त होगा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के साथ साथ जो प्रमुख बातें इसमें कही गई है कि इसमें जो सदस्य भाग लेंगे, निर्वाचक गण के जो सदस्य होंगे उसमें से संसद के दोनों सदनों के सदस्य होंगे। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बनने से मिलकर बनने वाले निर्वाचन निर्वाचक गण के सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी ऐसा ही होता है, राष्ट्रपति के तरह ही उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी अप्रत्यक्ष होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। किंतु उपराष्ट्रपति में जो भिन्न बातें देखने को मिलती है उसमें प्रमुख बात यह है कि इस रूप में राष्ट्रपति से इनका भिन्न निर्वाचन होता है कि इसमें राज्य विधानमंडल के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, राष्ट्रपति में लेते हैं, उपराष्ट्रपति में राज्य विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। उपराष्ट्रपति में सिर्फ संसद के दोनों सदस्यों से मिलकर जो निर्वाचक गण के सदस्य बनते हैं वही निर्वाचन करते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टेड कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड वोटिंग एट सच इलेक्शन शैल बी वेरीज सेक्रेट बैलेट। 66-2 में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो यह है कि उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य का सदस्य नहीं होगा, और यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो भी जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण करने की तारीख से रिक्त कर दिया है। द वाइस प्रेसिडेंट शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और ऑफ ए हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट एंड इफ ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और ऑफ ए हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट बी इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट ही शैल बी deemed to have vacant his seat in that house on her the date on which he enters upon his office as vice president। कहने का आशय यही है कि संघ या राज्य विधानमंडल के कोई सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो सकते हैं, उसके निर्वाचित होने पर प्रतिबंध नहीं है, किंतु दो पद का निर्वहन एक साथ नहीं हो सकता। यदि विधानमंडल का सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाते हैं तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण करने की तारीख से रिक्त कर दिया है। वे उपराष्ट्रपति बन जाएंगे या राष्ट्रपति, और लेकिन जो विधानसभा के सदस्य थे उनकी सदस्यता वहाँ से समाप्त हो जाती है, रिक्त हो जाती है। अनुच्छेद 66-3 में जो प्रमुख बातें कही गई है वह है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के पात्रता से संबंधित बातें। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचन होने का पात्र होगा तभी होगा जब वह भारत का नागरिक होगा, 65 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और ग नंबर राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है। कोई और चौथा है कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है
उपराष्ट्रपति निर्वाचन होने का पात्र नहीं होगा। कहने का अर्थ, जो व्यक्ति लाभ के पद पर होते हैं राज्य सरकार के अधीन या केंद्र सरकार के अधीन, तो वे उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के पात्र नहीं होते हैं। हालांकि इसके आगे बात कही गई है, लाभ के पद वाले नहीं होंगे, लेकिन कोई व्यक्ति लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि यदि वह इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए जो स्पष्टीकरण दी गई है, कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल है अथवा संघ का या किसी राज्य का मंत्री है। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति तो पुनः भी हो सकते हैं या राज्य के राज्यपाल हैं तो वे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए पात्र हो सकते हैं, कोई राज्य के मंत्री हैं तो वे भी हो सकते हैं। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट अनलेस ही ए इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, बी हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स एंड सी इज क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। फॉर ए पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट इफ हर होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट और अंडर एनी लोकल और अदर अथॉरिटी सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ एनी ऑफ द सेड गवर्नमेंट्स।